युवक पोर्टुगियन भी बोलो तो टमाटर की बात। लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और यार अभी सुबह के 8:30 हो रहे टाइम और अभी सीधे तैयारी खेतों में जाने की। जो गेहूँ ढका रखे थे उन्हें सुखाने जाना है अभी नीचे बड़े वाले खेत में। मम्मी जी भी और अजी भी चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। तो यार अभी बस पहुंचने वाले हैं अपने घर से। हम काफ़ी नीचे आ गए तो यहीं पे हमारा खेत है यहाँ सामने। यहाँ से अभी यूं होके जाना है तो चलते हैं अभी। देखो भाई उत्तरायण। और यार कल बारिश हुई थी तब, अब भी मौसम बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल मस्त फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि गर्मी हो रही ऐसा वैसा हुआ, इधर को भी बिल्कुल गीला हुआ है, पूरी नमी आ रखी है ज़मीन में। और कईयों ने इधर साइड को टमाटर लगा रखे हैं। ये हमारे नाना और का खेत है और ये वाला खेत है हमारा। कल मम्मी ने इतना काट लिया था, अभी इतना बाकी है थोड़ा सा, तो इसमें ढका रखा है बिल्कुल तिरपाल तुरपाल लगा के ताकि भीगे ना। तो अभी बिछाना इसको अलग अलग। तो यहाँ पीछे गेहूँ से तिरपाल हटा दिया है और अभी ये ज़मीन थोड़ा गीली है इसलिए थोड़ा 5 मिनट रुक जाते हैं ताकि सूख जाए, वरना ये इनमें डालेंगे तो गीले ही होंगे। तो अभी इस पेड़ की छाव में हम रेस्ट करते हैं। वैसे गर्मी लग नहीं रही है फिर भी। और मम्मी जी भी अपना गेहूँ काटने पे लग गई तो आज ये वाला खेत निपटाई देगी मम्मी और हम अब बिछाते हैं। चल भाई। फाइनली यार इधर को पूरा बिछा दिया है, दिखने में कम ही दिख रहे होंगे पर आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लग गया हमें। और मेरा फ़ोन भी हल्का सा हीट हो गया, मैंने वहाँ पे रख रखा था क्योंकि अब धूप लग रही है तो फ़ोन हीट हो गया, शुक्र है ज़्यादा हीट नहीं हुआ। तो यार अभी चल दिए हम घर की तरफ, सारे बिछा दिया है और मम्मी जी काट देगी अपना पूरा गेहूँ गूँ। और अभी चल दिए हम। और यार जो जो इधर को नमी आ रखी थी तो वो सूख रहा है, जब तब उमस उठ रही है तो अब नीचे से यूं के लिए बिल्कुल गरम गरम हवा आ रही है क्योंकि वो सूख रहा है तो उमस हो रही है। तब ऐसा वैसा बारिश के बाद ज़्यादा ही गर्मी होती है, ये गौर करना कभी होती है। यार भी बोलो मरियूबर पोर्टुगियन भी बोलो तो टमाटर की बात। तो अब यार टाइम 12:30 हो गया है, उस वक्त आ गए थे ऊपर और फिर पड़े हुए रहे, मतलब आराम ही किया। मम्मी जी के स्कूल में गए थोड़ी देर क्योंकि मम्मी जी तो खैर गेहूँ काट के तो स्कूल खोलना पड़ता है। तो अभी सबसे पहले खाना बनाता हूँ क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया है। और यार जब तक मैं खाना बनाता हूँ तब तक बादलों का टाइम लैप्स लेने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, वैसे बादल ढंग से दिख नहीं रहे बट टाइम लैप्स लेता हूँ। तो यार अभी खाना खुना बन गया है और आई होप थोड़ा अच्छा आया होगा टाइम लैप्स, मैंने अभी देखा नहीं ढंग से। तो मम्मी जी भी आ गई है और अब खाना खाते हैं पहले। तो यार अभी खाना पीना भी हो गया और अभी मस्त सी हवा चल रही है और कुछ काम है नहीं अभी। तो यार अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हम चल दिए गेहूँ को इकट्ठा करने जो फैलाए थे सुबह, क्योंकि अभी मौसम तो खैर साफ ही है बट रिस्क नहीं लेते कोई भी, मतलब इकट्ठे करते हैं उन्हें उसके बाद उसके ऊपर तिरपाल बिछा देते हैं अच्छे से ढका देते हैं उसे। और उधर रेती वाले खेत से भी लाने हैं, लगभग 2 भारे हैं। वहाँ कम ही लगा रखे थे, वहाँ मटर लगा रखे थे, सॉरी मटर
क्या हुए, मटर लगा रखे थे वहाँ, वहाँ गेहूँ नहीं लगा रखे थे उतने, तो थोड़ा ही है। तो एक बंदा मम्मी के साथ वहाँ चला जाएगा, मैं चाहे अजय, तो देखते हैं अभी। तो अरे अभी पहुँच गए खेत में और अजय जा रहा है मम्मी के साथ, उधर रहती शायद। मैं इसी को इकट्ठा करता हूँ, इतना बड़े में फैलाइए इधर को भी, तो करते हैं अभी इसको इकट्ठा। तो अभी फाइनली यार ये सारा लगा दिया एक ढंग में, और सबसे लास्ट हम ही थे क्योंकि यहाँ ऊपर भी ढका दिए इधर उधर उधर। जैसे हम नीचे आए थे आधा से ज़्यादा ढक चुके थे, इधर को भी अभी अभी हमसे पहले ढक गए। सबसे लास्ट मतलब हमने की, सबसे देर हमने की, अब ढकाते हैं तीन 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 तिरपाल। लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके से, पंडीला आइए, लाल होता तब आता मजा। तो भी चल दिए हम घर की तरफ, और कुछ ऐसे इतने बड़े हो गए इधर को ये टमाटर के पौधे, और ऐसे करते हैं कुछ गड्ढे इधर को भी कर रखे हैं, तो इनमें नहर से पानी आता है, फिर भरते हैं इन गड्ढों को, उसके बाद इनकी सिंचाई करते हैं सुबह शाम। वैसे अब नहीं इनको ज़्यादा ज़रूरत, अब एक या दो दिन में, अब आजकल तो बारिश हो रही तब, आजकल नहीं इनको ज़रूरत, तो चलते हैं अभी, चलो।